दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहा हूं मैं। जमाई राजा सेट से आ रही है। जमाई राजा स्टार कास्ट जो कि रवि दुबे और निया शर्मा फिलहाल जमाई राजा की शूटिंग में अभी थोड़ा डिले करना चाहते हैं। इसकी रीजन भी एक और है क्योंकि निया शर्मा इधर नागिन 4 के लिए शूटिंग स्टार्ट करने वाली हैं तो उनके पास में अभी इतना टाइम नहीं है कि वो जमाई राजा सीजन की शूटिंग करें और जमाई राजा की शूटिंग डिले होने के कारण ही थोड़ा सा लेट हो सकता है। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्योंकि कलर्स पे एक सीरियल स्टार्ट होने वाला नागिन 4 के लिए उन्होंने अभी थोड़ा सा टाइम मांगा कि थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं नागिन 4 की शूटिंग करने के बाद में फिर जमाई राजा की शूटिंग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। वहीं निया शर्मा और रवि दुबे की बात करें तो उन्होंने जमाई राजा में जो उन्होंने एक रोल निभाया था वो सबने पसंद किया था और मेकर्स ने ये डिसाइड किया जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लिया जाए। इधर रवि दुबे की वाइफ सरगुन मेहता किस्मत 2 मूवी के बाद में वो अपने बेबी प्लान करने के बाद में वो माँ बनने वाली है तो रवि दुबे अपनी वाइफ यानी सरगुन मेहता की फिलहाल देख रेख में लगे हुए हैं। निया शर्मा और रवि दुबे एक दूसरे को बिल्कुल भी इस सीरियल के लिए टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि जमाई राजा जितना पॉपुलर जितना हिट शो साबित हुआ था GTV पर GTV का सबसे फेवरेट शो था इधर ही फिर उन्होंने छुट्टी ले ली। इस चीज़ के लिए रीजन ये बताते हुए रवि दुबे ने अपना रीजन बता दिया कि वो अपनी वाइफ की देखभाल में लगे हुए हैं और निया शर्मा ने अपना रीजन बता दिया कि वो नागिन 4 की शूटिंग में बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। देखना ये है कि इस सीरियल को कितने टाइम और वेट करना पड़ सकता है क्योंकि शायद जमाई राजा का सुनने में ये भी आ रहा था कि जमाई राजा अगले महीने में आपको शुरू में देखने को मिलेगा लेकिन अब ऊपर वाले की उससे देखना है कि कितना टाइम निकाल पाते हैं क्योंकि इधर मेकर्स जमाई राजा मेकर्स ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लाया जाए क्योंकि सरगुन मेहता जो रवि दुबे की वाइफ है उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बैंड रवि दुबे को दे रहे हैं। रवि दुबे और निया शर्मा जो एक बॉन्डिंग है वो अलग ही देखने को मिली है लेकिन उसके साथ साथ में रवि दुबे ये भी चाहते हैं कि अपनी वाइफ को थोड़ी सी टाइम दिया जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और रवि दुबे पिता बनने वाले हैं। इधर बात करते हैं निया शर्मा की तो निया शर्मा फिलहाल दोनों सेट को टाइम दे रही है क्योंकि अचेतिंग कौर जो कि डीडी पटेल का किरदार निभा रही थी अचेतिंग कौर ये बोल चुकी हैं कि जमाई राजा की शूटिंग करने के बाद में फिर आप लोग फ्री हो आप लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अभी तक मेकर्स खुद ये कन्फ्यूज हैं कि निया शर्मा और रवि दुबे फिलहाल चाह क्या रहे हैं नहीं तो इतना टाइम में तो शूटिंग कर लेनी चाहिए थी। अब देखना ये है कि दोस्तों कितना टाइम लग जाए इस शो को दोबारा लौटने में लेकिन ये लौटेगा बहुत जल्दी पर्दे पर आपके साथ में क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ये जमाई राजा की दूसरी शूटिंग स्टार्ट करने ही वाले हैं। हालांकि रवि दुबे तो इतना चाहते भी हैं और निया शर्मा भी ये चाहती हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा टाइम निकाल के क्यों ना जमाई राजा की शूटिंग पूरी कर ली जाए लेकिन इधर निया शर्मा पर प्रेशर आ रहा है नागिन 4 के मेकर्स का क्योंकि नागिन 4 में निया शर्मा एक मेन रोल निभा रही नागिन का उनके साथ साथ में शायद सुरभि ज्योति भी उस सीरियल में और भी काफ़ी स्टार कास्ट साथ नजर आ सकते हैं। इधर रवि दुबे की बात करें तो रवि दुबे और निया शर्मा हालांकि इस बात पर उनकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी जमाई राजा के शूटिंग के लिए लेकिन फिलहाल इन दोनों के पास में टाइम ना मिलने के कारण इनको थोड़ी सी शूटिंग डिले करनी पड़ रही है। अब ये शूटिंग कब होगी इस महीने के एंड में तो खैर ये शूटिंग होगी अब मेकर्स के ऊपर कि मेकर्स इस बात को क्या डिसाइड कर पाते हैं। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फिलहाल अपकमिंग शो निया शर्मा का और रवि दुबे का जमाई राजा शो बहुत जल्दी आप लोगों को बीच में दोबारा देखने को मिलेगा क्योंकि नागिन 4 से पहले ही शूटिंग इसकी भी स्टार्ट होने वाले है क्योंकि मेकर्स ने बोल दिया कि हमें कुछ नहीं पता हम जल्दी से जल्दी आप लोगों से रवि दुबे से और निया शर्मा से टाइम लेने की कोशिश करेंगे और वो टाइम लेकर ही छोड़ेंगे क्योंकि GTV का सबसे पॉपुलर शो जो कि आज की डेट में एक वेब सीरीज भी बन गया था जमाई राजा ठीक है तो उनके लिए जल्दी जल्दी टाइम निकाल के शूटिंग पूरी करने की कोशिश करेंगे। मेकर्स ने बोल दिया कि हमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए और जल्दी जल्दी हमें शूटिंग पर दोनों स्टार वापसी चाहिए। निया शर्मा के साथ साथ में अचेतिंग कौर जो कि डीडी पटेल का किरदार निभा रही थी वो भी पर्दे पर आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्दी आने वाली हैं क्योंकि इन दोनों की तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है जमाई राजा में। और फिलहाल की मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिलहाल आपके लिए भी गुड न्यूज़ है कि आपके फेवरेट सीरियल जमाई राजा लौट रहा है। इधर निया शर्मा को आप नागिन 4 में भी देख पाएंगे साथ के साथ ही रवि दुबे फादर बनने वाले हैं उनकी वाइफ सरगुन मेहता एक बेबी को जन्म देने वाली हैं क्योंकि अगले महीने उनकी बेबी की शायद उनकी वाइफ की डिलीवरी हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रवि दुबे को क्या करना चाहिए और निया शर्मा को क्या करना चाहिए।